तो दूध गर्म हो रहा है क्योंकि सोहम दूध की चाय पीता है और मैं और मम्मी काला चाय पीते हैं। तो मेरा मम्मी का चाय तो बाहर हो गया, सोहम दूध का चाय पीता, तो फिर दूध गर्म कर दो और वो खुद ले लेगा। ठीक, अभी दोपहर के बज रहे हैं कुछ 12:30 और 1 बजे मेरी एग्ज़ाम है कॉलेज की, एंड इसलिए मैं यहाँ पर अभी लैपटॉप खोल के बैठा हूँ ताकि एग्ज़ाम दे पाऊँ। एंड आई हैव ऑल्सो कप ऑफ टी विथ मी, क्योंकि मैं लेट उठता हूँ तो नाश्ता करने मिलता नहीं है, इसलिए फिर एग्ज़ाम देते देते मैं चाय भी पी लेता हूँ। आज अकाउंट्स का पेपर है और अकाउंट्स ठीक है, ईजी सब्जेक्ट है, इतना भी हार्ड नहीं है, हो जाएगा, और वैसे भी ऑनलाइन है। इनको क्या ही पता है। सो गाइस, फाइनली एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है, अकाउंट्स का पेपर था एंड इट वाज इजी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। ये पेपर अच्छा गया क्योंकि इसमें बस 8 मिनट बचे थे सबमिट करने को, और मैं हो गया तो मैं सबमिट कर लिया, मैंने सारे आंसर चेक भी कर लिए, सब राइट है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि बाकी पेपर्स ठीक ठाक है। मम्मी और सोहम दोनों बैठ के व्लॉग देख रहे हैं, ये ऐसे होता है, मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आराम से बैठ के वीडियो देखते हैं, पापा भी जब भी काम से आते हैं घर पे रात को सोने से पहले, अगर मैंने वीडियो अपलोड किया हो तो रात को सोने से पहले व्लॉग देख के सो जाते हैं, मज़ा भी आता है। क्या है मतलब ये प्यार नहीं तो क्या है, क्या है, क्या। सो गाइस, अभी मैं एक्चुअली रील शूट कर रहा हूँ और ये रील एकदम ऐसा कंसेप्ट थोड़ा अलग आया दिमाग में, क्योंकि ये चीज़ हुई एंड फिर सोचा कि क्या ये लोग, ये बाकी के लोग भी करते होंगे या फिर ये मैं अकेला ही ऐसा करता हूँ, तो इसीलिए मैं ये रील बना रहा हूँ और BTS देख लो अच्छा। ये दिस इज माय रील वाली मदर्स लुक, ठीक है, चल सेट भी शूट करते हैं। हेलो गाइस, पानी पी लो, चल आता काम वाला लगा। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट, अरे बेटा थैंक यू थैंक यू, बड़ा अच्छा लड़का आपका, बड़ा अच्छा लगता है आपका। तो गाइस, रील फाइनली शूट हो चुका है, अभी आपको रील मेरे इंस्टाग्राम पे, ऑफकोर्स रील कहाँ पर होता है इंस्टाग्राम पे, बट अपना कंटेंट एकदम अच्छा फनी होता है, तो ये जो है रील आपको इंस्टाग्राम पे देखने मिल जाएगा। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा मेरे को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है, हर एक ब्लॉग में रहता है, लेकिन आप चेक नहीं करते, अगर आप मुझे फॉलो करते तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो इंस्टाग्राम के नीचे नीचे लिंक है, फटाफट जाके फॉलो करो, क्या कर रहे हो तुम लोग। वन मोर रील गाइस, Thank you.
डायलॉग्स देख रहे हो, डायलॉग्स चुम्मन This is the favorite part from my reel, the best favorite part from this reel. और अगर आपको ये वाला reel, अगर ये वाला आपको part पसंद है ना तो do comment, let me know. अगर आपने reel नहीं देखा तो मैं आपको suggest करता हूँ, नीचे link है, फटाफट जाओ reel देखो और मुझे बताना वो reel में से best part कौन सा था और उसके पहले reel वाले में, उसके पहले जो reel था उसमें भी कौन सा आपका best part था. दोनों comments में, दोनों में कमेंट्स में बताओ कौन सा बेस्ट पार्ट था. ठीक है, यूट्यूब पे भी वो कमेंट करना कि आपको पसंद है कि नहीं, आपको बिहाइंड द सीन पसंद है कि नहीं, जितना मैं तक में डालता रहूँ. एंड गाइस, हमेशा मुझे क्वेश्चन है कि मतलब अब मैं ब्लॉग बनाना मैंने चालू कर दिया वापस, तो अब मैं रील्स भी बनाता हूँ. सो आई मतलब इसलिए मैं बिहाइंड द सीन डालता हूँ बिकॉज कुछ है नहीं, लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से मतलब सच में कहूँ तो भाई मेंटल प्रेशर पूरा मतलब बहुत गंदा है, मतलब मेंटल पूरा ख़राब हो चुका है. मेंटल जो स्टेट है ना स्टेबल, वो पूरा अनस्टेबल हो चुका है बिकॉज यू नो जब लॉकडाउन नहीं था तो मैं हर कोई बिजी था, मैं ही नहीं, हर कोई अपने काम में बिजी था. कोई कॉलेज का अटेंड करता था, क्लासेस का ऑफलाइन क्लासेस थे, यू नो और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी, कोई बहुत काम करता था, कोई कॉलेज जाता था, कोई स्कूल का काम करता था, या फिर होमवर्क्स एंड असाइनमेंट्स वो सब, या फिर यू कह लो ऑफिस जाते थे लोग, तो वो सब एकदम बिजी हो गया था. और मेरे को ना मेरे जो बिजी लाइफ थी ना उसको मेरे को बहुत गंदी आदत हो गई थी एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट. और मेरी बिजी लाइफ की वजह से ही एक रीज़न था कि मैं इतने महीने से ब्लॉग नहीं कर रहा था बिकॉज आई वॉज नॉट गिविंग टाइम टू माई ब्लॉग्स. बिकॉज ब्लॉग कैसा है ना कि अगर मुझे ब्लॉग करना है ना तो मुझे बाहर जाना पड़ता है, कहीं एक अच्छी जगह जाना पड़ता है, यू नो जहाँ जाके मेरा कॉन्टेंट अच्छा बने, या फिर यू नो समझ सकते हो आप. तो वो मेरे बिजी लाइफ की वजह से वो पूरा अनस्टेबल हो गया था, तो इसलिए मेरे से ब्लॉग्स हो नहीं रहे थे. और मैंने फिर सोचा कि गैप लेते बिकॉज मैं वो कंटाला भी आता था कंटेंट क्रिएट करने में, क्योंकि जब भी मैं कंटेंट डालता था उसके बाद ना मुझे इस बात का टेंशन था कि नेक्स्ट कंटेंट क्या डालूँ. मुझे इस बात का टेंशन नहीं था कि उस पर क्या व्यूज़ आएंगे या फिर उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा या फिर उसको लोग पसंद करेंगे कि नहीं. मैं बस अपलोड करता था और अपलोड करने के बाद मैं सोचता था कि अभी नेक्स्ट कंटेंट क्या डालूँगा. और फिर मैं इस प्रेशर से मैं पक गया था, इसलिए मैं सोचा कि ब्रेक ले लेते हैं. और वो ब्रेक लंबा चल गया, 2 महीना चल गया. और फिर मेरे को पसंद में आने लगा बिकॉज आई वॉज लिटिल गेट बिजी, मतलब मैं अपनी डेली लाइफ में थोड़ा बिजी होने लग गया, तो मेरा ब्लॉग से भी धीरे थोड़ा ध्यान हटने लग गया. तो फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और उसमें 2 महीने निकल गए. फिर वापस लॉकडाउन चालू हुआ. फिर मेरे को बीच में ऐसा लगा कि नहीं यार, अपने को ब्लॉग्स करने चाहिए. अगर आपने चैनल शुरू किया है एंड लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो मतलब मेरे दोस्त भी मुझे बोलते हैं कि भाई ब्लॉग करना बंद क्यों कर दिया, मतलब क्यों बंद किया, रीज़न क्या है. मैं तो उनको बोलता था ऐसे ही यार बस हो गया, अभी दिमाग ख़राब होने लग गया. बट फिर बाद में सोचा कि नहीं चालू करते, एक बार ट्राई करते देख के, क्या पता वापस अच्छा बने. तो और सीरियसली मैं कहूँ तो चालू किया और मेरा लग बहुत ख़राब है गाइस, आपको बताता हूँ. रुको, तो सबसे पहले सीन ऐसा है कि जब मैंने ब्लॉग्स बनाना बंद कर दिए थे ना तब ऑलमोस्ट लॉकडाउन खुल गया था. और लॉकडाउन खुल गया था तो सब भी खुल गया, रेस्टोरेंट्स, अपने ऑफलाइन क्लासेस, जिम, ट्रेन्स, रिक्शा, मतलब लोकल सब बसेस सब खुल गए थे एंड हम कहीं पे भी जा सकते थे. तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने इस बात का सोचा भी नहीं था. मैं चर्च गेट, मैं गिरगांव चौपाटी, मैं चर्च गेट, मैं मरीन ड्राइव कम से कम 2 या 3 बार जाके आया हूँ विथ माई फ्रेंड्स और मैंने इस पर बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाया. आई मीन सीरियसली, मेरा दिमाग पता नहीं अभी मैं सोच के ना रिग्रेट करता हूँ कि मैंने उस वक्त ब्लॉग क्यों नहीं बनाया. क्योंकि आप जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस प्रेशर से कंटाला गया था कि यार क्या है रोज़ रोज़ कि अभी क्या कंटेंट डालूँ, अभी क्या कंटेंट डालूँ, मतलब इस प्रेशर से मैं कंटाला गया था मेरे को. तो इसलिए फिर मैं सोचा कि ब्रेक लेते हैं. और वो ब्रेक के चक्कर में मैं व्लॉग्स बनाना ही भूल गया था पूरा कम्प्लीटली. और जब खुल गया था ना लॉकडाउन तब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं चर्च गेट, मैं गिरगांव चौपाटी गया था, मैं मरीन ड्राइव भी गया था और मैं चर्च गेट 3 या 4 बार जाके आया हूँ दोस्तों के साथ.
प्लस मेरी दादी के घर पे भी गया था मैं नायगांव में, वहाँ पे भी बहुत इन्जॉय किया, लेकिन मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। अब भी मैं रिग्रेट करता हूँ कि यार मैंने क्यों नहीं बनाया, मेरे को कंटेंट मिल जाता था। मैं स्टार्ट करता ना उस वक्त जब मैंने सोचा था कि कंटाला आ रहा है, तो उस वक्त मैं थोड़ा हिम्मत करके स्टार्ट करता ना, तो शायद से लोग अभी और सब्सक्राइब करते हैं, मेरा सब्सक्राइबर और बढ़ जाता। एंड ये दो महीने मैंने कुछ डाला नहीं तो मेरे 3 या 4 सब्सक्राइबर्स कम हो गए, और फिर मैंने फिर सोचा कि नहीं यार कंटिन्यू करना चाहिए, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। और नसीब देखो, जब ब्लॉग स्टार्ट किया लॉकडाउन अगेन लॉकडाउन, अब इस लॉकडाउन में आपको क्या दिखाऊँ, सिंपल सी बात है, मेरा नसीब ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है। मैंने जब ब्लॉग्स बंद किए थे तब सब बढ़िया लाइफ था, जब ब्लॉग्स चालू किए तो वापस लॉकडाउन लग गया। आपको क्या ही बताओ, बता के भी क्या ही बताऊँगा, घर वाले ये रील्स, तो वही बता रहा हूँ मैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉग की कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी, लेकिन ब्लॉग्स आना मैं अभी बंद नहीं करूँगा। मतलब भले अभी वो कंटाल भी आए ना, तो भी मैं थोड़ा इसको प्रेशर दूंगा, और अभी नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे ऐसा बोर होगा या फिर व्लॉग्स बनाने से पक जाऊंगा, तो मैं हमेशा याद रखूंगा कि अगर लोग मेरे चैनल पे मुझे देखने आते, मेरे इस पर्सनालिटी को देखने के लिए आते, तो आई एम श्योर मुझे उनके लिए कंटेंट बनाना पड़ेगा। अगर आपको पसंद है मेरे व्लॉग्स देखना, अगर आपको पसंद है जेन्युइनली, अगर आपको पसंद है मेरे चैनल पे व्लॉग्स देखना, मेरे रील्स देखना, या फिर मेरा या ए बी टी एस देखना, तो ऑफकोर्स आई विल डू दिस, श्योर आई विल डू दिस। अगर आपको पसंद है बी टी एस, मेरे रील्स के बी टी एस देखना, तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, एंड श्योर आपका भी दिमाग ख़राब हो गया है लॉकडाउन में, क्योंकि आपको आदत हो गई है बाहर जाने की, दोस्तों से मिलने की, क्लासेस जाने की, या फिर अगर जिम जाते तो जिम जाने की। अब मैं जिम जाता था, 2 महीने गया हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन लग गया तो जिम भी बंद है, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। अब जिम बंद हो गया तो घर पे भी करने को कंटाल आता है, और मैं पूरा दिन बस मोबाइल लेके बैठा रहता हूँ, या तो मैं रील्स बनाता हूँ, या तो फिर मैं मोबाइल लेके बैठा रहता हूँ पूरे दिन। मम्मी को पूछ लो, मैं आपको मम्मी से बता दूँगा, मम्मी हमेशा परेशान होती है कि क्या पूरा दिन मोबाइल लेके बैठता है, क्या है ये पूरा दिन, आँख ख़राब हो जाएगी, कान ख़राब हो जाएंगे, बोलते रहते हैं। लेकिन कर ही नहीं सकते, मैं उनको सीधा बोल रहा हूँ क्या करेंगे, लॉकडाउन है, बाहर जाओ, पुलिस के डंडे खाओ, घूमू, सिंपल है, क्या कर सकता हूँ। सो गाइस, दैट वाज माय कन्फेशन इन दिस वीडियो, एंड या गाइस डू कमेंट, लेट मी नो कि आपके क्या ओपिनियंस हैं इसके ऊपर, बिकॉज आई रियली वांट टू नो योर ओपिनियंस, एंड इसे कमेंट करके बताइए मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मंडल बाबा टू वॉज दिस ब्लॉग, टिल्स बाबा साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, न्यू ब्लॉग, मिलते जल्दी, बाय, पीस।